गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ स्टाइल विद संचिता। तो निकली हूँ वर्क पर, दो राउंड ऑलरेडी कम्प्लीट, अब घर चली जाऊँगी। 8 बज गया है और बहुत दिनों बाद वर्क पर निकली हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश लग रहा है। टाइम नहीं मिल रहा था, कोलकाता गई थी उसके बाद तो बारिश ये वो बहुत कुछ हो गया। मतलब जिस दिन पोगो स्कूल रहता है उस दिन मैं वर्क पर निकल पाती हूँ, अदरवाइज़ वो भी सोता रहता है और मैं भी उसके साथ 8:30-9 बजे तक। बैड हैबिट है बट क्या करें, ऐसे ही चल रहा था। चलिए, दिन बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ है, आगे का दिन देखते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, तुम टिफिन कंप्लीट करो कि नहीं? गिचले पास्ता कै केट्टी अके बनी दीजिए तुमको पास्ता के बनी दीजिए पास्ता कोई पास्ता तो 9:45 बज गया है, झटपट ब्रेकफास्ट कर लेना है। स्कूल का टाइम वो तो है और पोगो घूम रहा है यहाँ वहाँ। डोसा कल के रेटे खेता होगा ना। तो चलिए, ब्रेकफास्ट में आज क्या क्या बनाया है मम्मा ने, मतलब माँ ने, पोगो मम्मा बोलता है तो मुझे भी लग गया है कभी कभी आदत। मम्मा पुराना फोन लेके हर वक्त घूमता रहता है, ये मेरा फोन है ऐसा बोल के। तो आज है एक रोटी लिया है, उसके साथ आलू भिंडी की सब्जी है, पास्ता है और ये कल का डोसा, ये बासी डोसा। तो झटपट खाना कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद तो पोगो को खिलाना है। सो स्कूल से रिटर्न होके खाना वाना खा के फिर से निकल गई हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट काम है। क्या काम है फिल्म में, नेक्स्ट संडे को मेरा ड्यूटी है, एक एग्ज़ाम पूरा वित्तीय एग्ज़ाम हम लोग देते हैं ना बचपन में, वैसा एक एग्ज़ाम है। उसमें मैं एज ए एग्ज़ामिनर जा रही हूँ, तो उसी का ही एडमिट वगैरह सेट करना है। 24th को एग्ज़ाम है तो इसी वजह से हमारे एक कोलीग के घर जा रही हूँ, वहाँ पर ही सारा कुछ एडमिट वगैरह सब कुछ मतलब अरेंज करना है, इसी वजह से निकल रही हूँ। टाइम हो रहा है अभी 5 बजे का और चलिए। काम करते करते लौटते लुटते बहुत देर हो गया था, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर बैठ गई हूँ पोगो को लेकर। पोगो को थोड़ा कलर वलर किया है तो थोड़ा होमवर्क करवाना है और अभी वो खीर खा रहा है, स्नैक्स आज कॉर्नफ्लेक्स नहीं, वो खीर खा रहा है। मतलब ये वो बहुत शौक से खाता है पायस। की खा चो तुम्हें निकल रही हूँ थोड़ा बाहर, छोटा मोटा बहुत काम है निपटा के, आधे घंटे एक घंटा लगेगा, चले जाती हूँ उसके, मतलब कुछ ना कुछ काम रहता ही है। चलो आप लोगों भी मेरे साथ।
सबसे पहले लेमन लाने के लिए मैं गया सब्जी मार्केट और जाकर देखा ऑलमोस्ट पूरा सब्जी मार्केट खाली पड़ गया है। बस चिलीज और एक दो सब्जी मिला मुझे, बस वही लेके मैं बाजार की तरफ जा ही रही थी कि हो गया मेरे गाड़ी का टायर पंक्चर। फिर टायर सर्विसिंग करवाने में बहुत टाइम लग गया, लगभग 15 to 20 minutes। फिर वो सर्विसिंग करवा के मैं बाज़ार की तरफ चली गई और बाज़ार में डायरेक्ट पहले गई कापुड़ गोली। वहाँ पर एक स्टोर है, दत्त वैरायटी स्टोर, जहाँ पर लगभग सारा छोटा मोटा चीज़ मुझे जो ज़रूरत था वो मिल गया मुझे। एक दुकान पर सारा चीज़ लेकर ही मैं गई डायरेक्ट पोगो के लिए मेडिसिन लाने, मेडिसिन शॉप पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।